एक तरफ जहां गाजा में इजरायली बलों पर हमास लड़ाके कहर बनकर टूट रहे हैं, खंडहर बन चुके गाजा में लड़ाके घात लगाकर इजरायली जवानों का शिकार कर रहे हैं, तो वहीं उत्तरी इजरायली बॉर्डर पर भी टेंशन जस की तस बनी हुई है। दरअसल दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाके मुस्तैदी से तैनात हैं, जिन्होंने हर दिन इजरायली सीमा के भीतर भीषण बमबारी कर तनाव को चरम पर पहुंचाया हुआ है। इजरायल का उत्तरी इलाका भी धमाकों और मिसाइल हमलों से दहल रहा है। हिजबुल्ला समूह की ओर से एक एक सटीक हमले इजरायल को चारों ओर से युद्ध में झोंके हुए हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने फिर इजरायली सीमा पर घातक बम वर्षा करने का दावा किया है। हिजबुल्ला ने खुलासा किया कि इजरायली हमलों के खिलाफ दक्षिणी लेबनानी गांवों की रक्षा में कई मिसाइलें दागी गईं। लड़ाकों ने रॉकेट हथियारों से हदाब यरीन साइट के पास इजरायली सैनिकों की तैनाती को निशाना बनाया। इस दौरान दावा किया गया कि इजरायली बलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लड़ाकों के सटीक हमलों से इजरायली जवानों के खेमे में खलबली मच गई। इसके बाद कई जवान जान बचाकर भागते हुए नजर आए। वहीं एक और हमले की जानकारी देते हुए समूह ने बताया कि दक्षिणी लेबनानी गांवों पर इजरायली हमलों, खासतौर से अरनॉन और अल खरदाली शहरों पर हमलों के जवाब में सेनानियों ने 91 डिवीजन पर अटैक किया है। इस हमले में लड़ाकों ने ड्रोन के एक स्क्वाड्रन के साथ एक हवाई ऑपरेशन चलाया। ऐसा दावा है कि हमले में उन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया जहां IDF की कमांड तैनात थी। समूह ने इस हमले में कई जवानों के हताहत होने की पुष्टि की है। हिजबुल्ला ने बताया कि गाजा में इजरायल की भीषण कार्रवाई से गुस्साए लड़ाकों ने रॉकेट हथियारों से कब्जे वाले लेबनानी कफर चौबा हिल्स में अल रामथा साइट को निशाना बनाया है। ऐसा दावा किया गया कि इस दौरान यह हमला सीधा और सटीक हुआ। हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में इजरायल से टकराव के दौरान ईरानी शहीद 101 ड्रोन को भी अपने हमलों में शामिल करने का खुलासा किया है। शहीद 101 ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान है जिसको ट्रैक कर पाना बेहद ही मुश्किल है। इसके इस्तेमाल से इजरायली इलाकों में खलबली मची हुई है। और अब इस बीच ईरान के शहीद 101 ड्रोन की खास बातें जान लेते हैं। हिजबुल्ला ने युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार नए ईरानी शहीद 101 ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इन ड्रोन का इजरायली वायुसेना के लिए पता लगा पाना और इसके प्रभाव को रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये नए ड्रोन इलेक्ट्रिक हैं। हिजबुल्ला की ओर से इस्तेमाल अबाबिल ड्रोन के मुकाबले ये ज्यादा विनाशक है। ये अपनी उड़ान के दौरान बेहद शांत रहते हैं। इन्हें जमीन से सुन पाना लगभग असंभव है। इस ड्रोन की रेंज 900 किलोमीटर तक के आसपास है। जो कि करीब 10 किलोग्राम तक के वजनी विस्फोटक ले जाने में सक्षम होते हैं। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान के शहीद 101 ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्ला ने इजरायल पर किया था, जिसमें एलोन ब्रिगेड के एक अधिकारी की मौत हो गई थी। बहरहाल इजरायल और हिजबुल्ला के वार पलटवार के बीच ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल इजरायल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।